उसके अंदर ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो कि लोगों को लगता है शायद कभी नहीं बनेगा, ये सिर्फ बातें हैं। दूसरा है बार रेनोवेशन आपके रेस्टोरेंट्स की, जो आज बहुत ही खस्ता हालत में है, इसकी वजह से आज हमारे क्लब के ऊपर टैग एक मॉडर्न हत्ते का लगना शुरू हो गया, जो कि एक पंजाब का नहीं दिल्ली तक एक मोस्ट प्रीमियम क्लब हुआ करता था किसी समय में। आज यहाँ पे कोई भी अच्छे लोग अच्छी फैमिलीज यहाँ पे नहीं आना पसंद करते। तीसरी चीज़ जो पार्किंग लॉट है, वहाँ पे आज मेंबर्स जो हैं वहाँ पे उनकी कार पार्क नहीं हो पाती, वहाँ पे लोगों को अपनी कार्स दूर दूर पार्क करके आनी पड़ती हैं। सबके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं सीट के साथ चिपकने या बार बार इलेक्शन लड़ने नहीं आया। कुछ लोगों ने इसको अपनी जागीर की तरह ले रहे हैं। सतलुज क्लब है, उसके लिए आपका विजन क्या हो? मैम मेरा विजन बहुत सिंपल है, बड़ा सटीक है। मैं बिल्कुल 100% फोकस्ड हूँ कि मुझे यहाँ पे आने वाले वक्त में क्या क्या काम जो होने वाले हैं, जो आज नहीं हुए हैं, जो हो जाने चाहिए थे, जिसका एक मुख्य कारण ये है कि फाइनेंस हमेशा, मैंने सुना है या मुझे पता भी है कि हमेशा रोता रहा कि क्लब के पास फाइनेंसिस नहीं है काम करवाने के लिए। तो जो मेजर मेरे एजेंडाज इस वक्त हैं उसके अंदर ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जो कि लोगों को लगता है शायद कभी नहीं बनेगा, ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन वो 100% बनेगा। दूसरा है बार और इसकी रेनोवेशन आपके रेस्टोरेंट्स की, जो आज बहुत ही खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से आज हमारे क्लब के ऊपर टैग एक मॉडर्न हत्ते का लगना शुरू हो गया, जो कि एक आप समझिए पंजाब का नहीं दिल्ली तक एक मोस्ट प्रीमियम क्लब हुआ करता था किसी समय में। आज यहाँ पे कोई भी अच्छे लोग अच्छी फैमिलीज यहाँ पे नहीं आना पसंद करते, पर इसका मेरा मतलब ये नहीं है कि जो लोग आते हैं वो अच्छे नहीं हैं, मेरा मतलब सिर्फ वो चंद लोग रह गए जिनको आज भी अपनी पुरानी यादें हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पे सिर्फ अपना टाइम बिताना पसंद करते हैं। तीसरी चीज़ जो पार्किंग लॉट है, वहाँ पे आज मेंबर्स जो हैं वहाँ पे उनकी कार पार्क नहीं हो पाती। जब ये पार्किंग लॉट बना होगा किसी समय में, उस समय चंद गाड़ियाँ थी, लेकिन आज ज़रूरत को देखते हुए जहाँ पे आज 3300 के आसपास मेंबर्स हैं, वहाँ पे लोगों को अपनी कार्स दूर दूर पार्क करके आनी पड़ती हैं। एक ये मेरे प्राइम मुद्दे पे है। और जो इसके अलावा आज न्यू जनरेशन को प्रमोट करना और न्यू जनरेशन को यहाँ क्लब में वापस लाना हमारा एक प्राइम टारगेट है, जिसके लिए मैंने दिमाग में मेरे एक रिडक्शन इन ट्रांसफ़र फीस फ्रॉम पेरेंट टू सन और डॉटर, ये एक प्राइम मुद्दा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फीस होने करके लोग वो भी ट्रांसफ़र नहीं करवाते। एक पीछे एक स्कीम आई थी जिसके अंदर शायद 2 महीने या 3 महीने के लिए स्कीम थी, लेकिन सब लोगों तक वो पहुँच नहीं पाई। तो हमारा टारगेट ये भी है, एक न्यू मेंबरशिप्स जनरेट करना, ट्रांसफ़र जिसकी वजह से फंड्स जनरेट होंगे, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बहुत सारी जगह प्रीमियम जगहें हैं और वहाँ से एक इनकम सोर्स बनाया जा सकता है। तो ये कुछ प्राइम मुद्दे हैं जी, जिसके लिए मैं फोकस्ड हूँ। और स्मार्ट कार्ड एंट्री सिस्टम जो आज शहर के दूसरे क्लबों में भी चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लीकेजेस हैं सर्विसेज की, वो सारी की सारी बंद की जाएँ, जिसके अंदर मेरे को यकीन है कि करीबन 25 से 30 लाख रुपए साल का हम इसमें एडिशनल जनरेट कर पाएंगे। सबके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं सीट के साथ चिपकने या बार बार इलेक्शन लड़ने नहीं आया। कुछ लोगों ने इसको अपनी जागीर की तरह ले रहे हैं, दो तीन बार कभी उस क्लब में कभी इस क्लब में इलेक्शंस लड़ चुके हैं, लड़ना चाह रहे हैं, जो मैं समझता हूँ गलत बात है। एक और फिर उसके बाद ये हिम्मत भी बंदा तब करे अगर कोई काम किया हो। पिछले 2 साल में मुझे तो कोई विजिबल काम, जो लोगों को भी मेंबर्स को भी आपको पता लगेगा कि वो अपने आप कहेंगे कि कोई काम शायद यहाँ पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसका नाम आज मॉडर्न हाथा बना। तो मेरी मेंबर्स को यही रिक्वेस्ट है, यंग जनरेशन को एक मौका दिया जाए, एक सिर्फ मैं एक बार यहाँ पे इलेक्शन लड़ के काम करके बेंचमार्क सेट करना चाहता हूँ हमारा, अदरवाइज। और यही ज़िद्द है जिसकी वजह से मैं यहाँ इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इंस्टीट्यूशन से प्यार है। जब हम यहाँ पे सर्विसेज देखने यूज़ करते हैं तो इतनी खस्ता हालत में है कि हमने सोचा कि यहाँ पे इसका बदलाव किया जाए, लोगों को काम करके दिखाया जाए।